नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। पंजाब के सिनेमाघरों में आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज होते ही उसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध फिल्म को लेकर नहीं है, बल्कि फिल्म में लाल सिंह चड्ढा का किरदार निभाने वाले एक्टर आमिर खान का हो रहा है। हिंदू संगठनों का कहना है कि आमिर खान ने पीके फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। उस वक्त ही हिंदू संगठनों ने फैसला ले लिया था कि आमिर खान की कोई भी फिल्म सिनेमाघरों में नहीं लगने देंगे। गुरुवार को हिंदू संगठनों, जिनमें मुख्य रूप से शिवसेना समाजवादी, शिवसेना बाल ठाकरे, शिवसेना हिंद, बजरंग दल समेत कुछ अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल थे, जलंधर के MBD मॉल के बाहर पहले प्रदर्शन किया गया, फिर सीधे अंदर घुस गए। मॉल के बाहर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पहले ही सुरक्षा बढ़ा रखी थी और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए MBD मॉल के बाहर पुलिस फोर्स तैनात कर रखे थे। विरोध के बाद सिनेमा हॉल से फिल्म को हटा दिया गया। शिवसेना हिंद के प्रधान ईशांत शर्मा ने कहा कि आमिर खान अपने फिल्मों में हिंदुओं के देवी देवताओं और हिंदुओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। वह अपने मुस्लिम समुदाय के बारे में क्यों कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करता, क्यों अपने धर्म पर फिल्म बनाकर उनका मजाक नहीं उड़ाता। आमिर खान बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ कर रहा है। MBD मॉल में घुसे हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और उनके विरोध को देखते हुए PVR के प्रबंधकों ने तुरंत फिल्म को हटाने का निर्णय लिया। जो शो चल रहा था उसमें करीब 12 लोग बैठे हुए थे, उन्हें भी हिंदू संगठनों के लोगों ने बाहर निकाल दिया। इसी बीच कुछ लोग बोल रहे थे कि उन्होंने फिल्म के लिए पैसे खर्च किए हैं, तो हिंदू संगठनों के नेताओं ने कहा कि जितने की उन्होंने टिकट ली है उसकी वह पेमेंट कर देंगे, लेकिन आमिर खान की फिल्म नहीं चलने देंगे। संगठनों के नेताओं ने ये चेतावनी दी है कि आमिर खान के खिलाफ पुलिस हिंदू और सिखों की भावनाओं को आहत करने के लिए मामले भी दर्ज करें। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आमिर खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाएगा। हिंदू नेताओं ने कहा कि 15 अगस्त से पहले मामला दर्ज ना हुआ तो वो CP ऑफिस के बाहर धरना देंगे। बता दें कि जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है तभी से इसे लेकर बवाल मचा हुआ है और कुछ दिनों से तो ट्विटर पर बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड कर रहा है। अपने पुराने बयान कि मेरी वाइफ को भारत में डर लगता है आमिर के लिए मुसीबत बन गया है, लोग लगातार विरोध करते जा रहे हैं। अद्वैत चंदन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के मिक्स्ड रिएक्शन मिल रहे हैं। ये फिल्म जहां कुछ लोगों को पसंद आ रही है वहीं कुछ ने इसे बेकार बताया है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म क्या धमाल मचाती है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।